मार्वल अवेंजर्स 4 से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ रिलीज नहीं कर रहा है और ये साल कॉमिक कॉन में मार्वल मूवीज का पैनल भी नहीं है, तो इस मूवी से रिलेटेड न्यूज़ के लिए हमें और कुछ महीना वेट करना होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अवेंजर्स 4 से रिलेटेड कुछ रूमर्स के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो अब शुरू करते हैं। पहले अवेंजर्स 4 मूवी का टाइटल था इन्फिनिटी वॉर पार्ट 2, लेकिन मार्वल ने ये टाइटल चेंज कर दिया। अवेंजर्स 4 का न्यू टाइटल मार्वल ने अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन रिसेंटली इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर ने इस मूवी का टाइटल अपने सीवी में रिवील किया है। तो अवेंजर्स 4 का टाइटल है अवेंजर्स एंड गेम। यह अवेंजर्स 4 का वर्किंग टाइटल भी रह सकता है या ओरिजिनल भी। अवेंजर्स एंड गेम ये टाइटल इस मूवी को सूट करता है क्योंकि ये मूवी अवेंजर्स और थानोस के आपको कंप्लीट करेगी और इस मूवी के बाद एमसीयू की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। तो आप लोगों के क्या ओपिनियन इस टाइटल के बारे में? आपके जो भी ओपिनियंस है वो आप मुझे कमेंट में बताएं। अवेंजर्स 4 के लीक प्रोमो आर्ट में हम कुछ कैरेक्टर्स के न्यू कॉस्ट्यूम और न्यू लुक देख सकते हैं। कैप्टन अमेरिका, हॉकआई और ब्लैक विडो, ये तीनों कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम और लुक में काफी सारे चेंजेस है और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉर मशीन के आर्मर में काफी अपग्रेड्स है। लेकिन इस प्रोमो आर्ट में और दो कैरेक्टर्स है जिनके कॉस्ट्यूम और लुक्स में काफी मेजर चेंजेस है और वो दो कैरेक्टर्स है कैप्टन मार्वल और हल्क। इस प्रोमो आर्ट में हम कैप्टन मार्वल को अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं। कैप्टन मार्वल के कुछ सेट फोटोज लीक हो गए थे और इन सेट फोटोज में हमने कैप्टन मार्वल को ग्रीन सूट में देखा था। तो कैप्टन मार्वल मूवी के एंडिंग में हम शायद से कैप्टन मार्वल को ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं। इस प्रोमो आर्ट में हल्क का जो लुक है वो प्रोफेसर हल्क को रिसेंबल करता है। इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा कि ब्रूस बैनर हल्क को बाहर लाने में काफी स्ट्रगल करता है, तो शायद से यही स्ट्रगल हल्क के बॉडी और ब्रूस बैनर के माइंड को मर्ज करता है और प्रोफेसर हल्क बॉर्न होता है। तो अवेंजर्स 4 में हम हल्क के एक न्यू वर्जन को देख सकते हैं। ये प्रोमो आर्ट ये भी रिवील करता है कि हम अवेंजर्स 4 में शायद से टाइम जंप देखने वाले हैं। इन्फिनिटी वॉर रिलीज होने से पहले ही अवेंजर्स 4 के सेट फोटोज लीक हो गए थे। इन सेट फोटोज में हम आयरन मैन, एंट मैन और कैप्टन अमेरिका को देख सकते हैं। इस फोटो में कैप्टन अमेरिका ने अपना ओरिजिनल कॉस्ट्यूम पहना है और बैकग्राउंड से हमें पता चलता है कि ये बैटल ऑफ न्यूयॉर्क यानी कि अवेंजर्स मूवी का सीन है। तो ये फोटो देखने के बाद ऐसे लगता है कि इस मूवी में टाइम ट्रैवल है। टाइम ट्रैवल की जो थ्योरी है वो अवेंजर्स 4 से रिलेटेड एक पॉपुलर थ्योरी है। ये फोटोज लीक होने के बाद एक इंटरव्यू में अवेंजर्स 4 के डायरेक्टर ने कहा था कि ये बाफ टेक्नोलॉजी भी रह सकती है। इस टेक्नोलॉजी को हमने देखा था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के स्टार्टिंग में। इस टेक्नोलॉजी की मदद से टोनी स्टार्क अपने मेमोरीज को ऑडियंस के सामने डिस्प्ले कर पाता है। तो शायद से इस मूवी में ये टेक्नोलॉजी की मदद से अवेंजर्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स को रिविजिट करते हैं और एक सोल्यूशन निकालते हैं थानोस को डिफीट करने के लिए। इस फोटो से रिलेटेड और एक थ्योरी है और वो है मल्टीपल रियलिटीज की। ये फोटो एक अल्टरनेट अर्थ का भी रह सकता है। इन फोटोज में हम इन कैरेक्टर्स के हाथ में एक डिवाइस देख सकते हैं। तो ये डिवाइस या तो टाइम ट्रैवलिंग के लिए है या तो मल्टीपल रियलिटीज को एक्सेस करने के लिए। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस सेट फोटो के बारे में? आपके जो भी ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। वास्की एक्ट्रेस ने अवेंजर्स 4 को लॉस्ट टीवी सीरीज से कंपेयर किया है। लॉस्ट टीवी सीरीज में काफी टाइम ट्रैवल है। इस फोटो के बाद और एक फोटो लीक हो गया था और इस फोटो में हॉकाई को एक न्यू कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं। ये कॉस्ट्यूम कॉमिक कैरेक्टर रॉनिन से काफी सिमिलर है। तो अवेंजर्स 4 में हम हॉकाई को रॉनिन की आइडेंटिटी अडॉप्ट करते हुए देख सकते हैं क्योंकि कॉमिक्स में हॉकाई ने रॉनिन की आइडेंटिटी अडॉप्ट की है। हॉकाई रॉनिन की आइडेंटिटी क्यों अडॉप्ट करता है उसके ऊपर एक पॉपुलर थ्योरी है। थ्योरी ये है कि थानोस की फिंगर स्नैप के बाद हॉकाई की फैमिली की डेथ हो जाती है और इस डेथ का रिवेंज लेने के लिए हॉकाई रॉनिन की आइडेंटिटी अडॉप्ट करता है। एक इंटरव्यू में सेबेस्टियन स्टैन ने कंफर्म किया है कि इस मूवी में एक सीन है जहाँ पे सारे मार्वल कैरेक्टर्स एक साथ है। सेबेस्टियन स्टैन ने यह भी कहा है कि ये सीन को क्रिएट करने के लिए मार्वल को 3 महीने लगे। स्कारलेट जोहानसन ने भी कंफर्म किया है कि एक सीन में मोर देन 30 कैरेक्टर्स है। तो अवेंजर्स 4 में हम सिविल वॉर के एयरपोर्ट बैटल से भी एक बड़ा बैटल सीन देखने वाले है। अवेंजर्स 4 मूवी के बाद कुछ एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले हैं। तो अवेंजर्स 4 में हम कुछ मेजर कैरेक्टर्स की परमानेंट डेथ देख सकते हैं। डेथ ऑफ मेजर कैरेक्टर्स इस सेक्शन के दो मेन प्लेयर है आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका, और इन दोनों कैरेक्टर्स में कैप्टन अमेरिका लीड पे। फैंस ने एक्सपेक्ट किया था कि सिविल वॉर मूवी में कैप्टन अमेरिका की डेथ हो जाएगी क्योंकि सिविल वॉर कॉमिक में कैप्टन अमेरिका की डेथ हो जाती है। फिर हम सबको लगा कि इन्फिनिटी वॉर मूवी में कैप्टन अमेरिका की डेथ हो जाएगी, लेकिन इस मूवी में भी ऐसा नहीं हुआ। तो अवेंजर्स 4 में हम कैप की डेथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो इस मूवी के डायरेक्टर कैप्टन अमेरिका को एक न्यू आर्क दे सकते हैं। थानोस से डिफीट के बाद टोनी स्टार्क शूरी की मदद से एक न्यू आर्मर क्रिएट करता है।
ये न्यू आर्मर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को भी हैंडल कर सकता है। इस आर्मर का नाम है थानोस बस्टर आर्मर, तो शायद से इस आर्मर को हम अवेंजर्स 4 मूवी में देख सकते हैं। टोनी स्टार्क से रिलेटेड और एक थ्योरी है, इस मूवी में हम ये भी देख सकते हैं कि टोनी स्टार्क एक न्यू गॉन्टलेट बिल्ड करता है अर्थ को रिस्टोर करने के लिए और थानोस को डिफीट करने के लिए, और ये जो गॉन्टलेट टोनी स्टार्क बिल्ड करता है उसे हल्क यूज करता है थानोस को डिफीट करने के लिए। तो ये सब कुछ हम इस मूवी में शायद से देख सकते हैं। तो आप लोगों की क्या थ्योरीज है इस मूवी से रिलेटेड, आपके जो भी ओपिनियंस है वो आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।